पर आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अनीश कुमार ने, और वीडियो का टाइटल है हाउ रशिया विल डिसाइड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिटिकल एनालिसिस बाय आदर्श गुप्ता। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों पिछले कई महीनों से यूक्रेन रशिया बॉर्डर पर चल रही उथल पुथल के चलते ये कयास लगाए जा रहे थे कि रशिया जल्द ही यूक्रेन को इन्वेड करेगा, और ये कयास 24 फरवरी 2022 की सुबह सच साबित हुए जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन में फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी। दुनिया भर के देशों में इस घटना को निंदनीय बताने का दौर शुरू हो चुका है और रशियन एग्रेशन को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। हालांकि ये सब लिप सर्विस जैसा ही लगता है, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न पावर अभी तक यूक्रेन में मिलिट्री सपोर्ट के पक्ष में खड़ा नहीं दिखता। इस माहौल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यूक्रेन इस वॉर में कोई मिलिट्री सपोर्ट गेन नहीं कर पाता और रशिया से हार जाता है तो उसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट होगा? आखिर क्या होगा अगर रशिया यूक्रेन में जीत गया तो? आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इस एनालिसिस के लिए हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से मिलती जुलती एक और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम्स को समझना होगा, ताकि फ्यूचर को हिस्टोरिकल कंपैरिजन के थ्रू प्रिडिक्ट किया जा सके। ये कॉन्फ्लिक्ट है सीरियन सिविल वॉर और उसमें रशिया का इंटरवेंशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों आपको याद होगा कि जब 2015 में रशिया ने सीरियन सिविल वॉर में इंटरवीन किया था, तब उसके इस डिसीजन ने अमेरिका और वेस्ट को हैरत में डाल दिया था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि रशिया ऐसा कुछ करेगा। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूएस के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्लेम किया कि सीरिया वो दलदल होगी जिसमें रशिया और पुतिन दोनों धंस जाएंगे। ये भी कहा गया कि रशिया के लिए सीरिया वैसा ही होगा जैसे यूएस के लिए वियतनाम या सोवियत के लिए अफगानिस्तान थे। कुल मिलाकर दावा यह था कि सीरियन सिविल वॉर में रशिया का इन्वॉल्वमेंट उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीरिया में रशिया ने अपने स्किल से सिविल वॉर का डायरेक्शन बदल दिया और सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद की कुर्सी यूएस ऑपोजिशन के बावजूद बची रही। इसके बाद रशिया ने डिप्लोमेटिक स्किल्स का बखूबी इस्तेमाल कर अपने लिए कई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी गेन किए। फॉर एग्जांपल, नॉर्दर्न सीरिया में रशियन मिलिट्री बेसिस का डेवलपमेंट, रशिया ने सीरिया में अपनी कैजुअलिटीज और कॉस्ट को कंट्रोल में रखा, और आज रशिया मिडिल ईस्ट में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इस कॉन्फ्लिक्ट में भले ही आज तक कोई सेटलमेंट ना हुआ हो, लेकिन रशिया ने मिडिल ईस्ट में मैसिव रीजनल क्लाउड अचीव किया है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये सिर्फ सीरिया में ही नहीं हुआ है, बल्कि लीबिया में भी हुआ। ऊपर से सीरिया में पुतिन को असाद के रूप में एक ऐसा एलाई मिला जो मिडिल ईस्ट में रशियन हेजेमनी का सूत्रधार बन सकता है। शायद सीरिया में ओबामा रशियन कैपेबिलिटीज का सही एनालिसिस नहीं कर पाए थे। खैर बात करें यूक्रेन की, तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन रशिया के लिए एक दलदल बनेगी या फिर सीरिया? चलिए देखते हैं। दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया के लिए यूक्रेन को जीत पाना आसान नहीं है, और इसलिए यूक्रेन में इन्वेजन रशिया की एक बड़ी भूल साबित होगी। फरवरी 11 को ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूरोप जेम्स क्लेवेल्डी का तो यही मानना है कि यूक्रेन रशिया के लिए दलदल होगा। एक रेशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो यही समझ आता है कि यूक्रेन में एक फुल स्केल वॉर रशिया के लिए काफी नुकसानदायक होगा और रशिया को इसमें काफी कुछ गंवाना पड़ेगा। कुछ स्कॉलर्स का दावा है कि इस बैटल से रशियन एलीट्स और ओलिगार्क्स में पुतिन का सपोर्ट सबसे कमजोर पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस इन एलीट्स के लिए नुकसानदायक हैं। इसके अलावा रशियन मासेस में भी पुतिन के प्रति सपोर्ट कम हो सकता है, क्योंकि वॉर लेड इकोनॉमिक क्राइसिस कई तरीके के डे टू डे प्रॉब्लम्स जैसे कि इन्फ्लेशन इत्यादि को जन्म देगी। ऊपर से अगर नेटो इस वॉर में इनडायरेक्टली और प्रॉक्सी वॉर के थ्रू भी शामिल हुआ तो ये रशिया को दशकों का हेडेक देगा, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर से यूक्रेनियन रेजिस्टेंस सस्टेन होगा जिसे खत्म करने में रशिया को मैसिव मैन और मटेरियल का लॉस हो सकता है। गुरिल्ला वॉरफेयर ने जिस तरह यूएस को वियतनाम में दशकों तक परेशान किया था, वैसा ही कुछ यूक्रेन में रशिया को झेलना पड़ सकता है। खैर अभी समझते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन में जीत गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा।
दोस्तों काउंटर आर्गुमेंट्स देने वाले स्कॉलर्स मानते हैं कि पुतिन को इस वॉर से कई फायदे हो सकते हैं, वैसे ही जैसे सीरिया में हुआ। अगर रशिया यूक्रेन में जीत जाता है तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक नया टर्न लेगी, ऐसी उम्मीद है। रशियन विक्ट्री के केस में यूएस और यूरोपियन लीडर्स को यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रीथिंकिंग करनी होगी ताकि वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बचा सकें। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके यूरोपियन अलायंस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा रशिया के लिए यूक्रेन में विक्ट्री कई तरीके की सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है। सीरिया की ही तरह ये विक्ट्री शायद एक कंप्लीट सेटलमेंट क्रिएट ना करे, लेकिन फिर भी रशिया यूक्रेन में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर यूक्रेन का विभाजन हो जाएगा जहां ईस्टर्न यूक्रेन के कई पार्ट्स क्राइमिया की तरह रशियन कंट्रोल में होंगे और बाकी के एरियाज एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, या फिर यह भी हो सकता है कि यूक्रेन मिलिट्री के डाउनफॉल से यूक्रेन एक फेल्ड स्टेट में तब्दील हो जाए, वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में हुआ। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेनियन जनता को होगा जो दशकों के कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में फंसकर रह जाएगी। इनमें से जो भी हो, एक बात तो तय है कि यूक्रेन की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी और वो वेस्ट से हमेशा के लिए डिटैच हो जाएगा। दोस्तों अगर रशिया वॉर जीत जाता है तो यूरोप भी हमेशा के लिए बदल जाएगा, और इसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन और नेटो के तहत यूएस हेजेमनी को बड़ा खतरा पहुंचेगा, जहां यूरोपियन देशों के सामने इन इंस्टीट्यूशंस की लेजिटिमेसी कमजोर होगी। नेटो और ईयू दोनों ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में असफल रहे हैं और यही वजह है कि इनकी लेजिटिमेसी कमजोर होगी, और ये स्पेशली ईस्टर्न यूरोप में होगा जो रशियन बॉर्डर से क्लोज है। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यूरोप में कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ईयू और नेटो से कई एलाइज बाहर हो जाएंगे और इन ऑर्गेनाइजेशंस में केवल कोर यूएस एलाइज ही बचेंगे जो वेस्टर्न यूरोप से आते हैं। इसका साफ मतलब यही है कि ईस्ट यूरोप में रशियन हेजेमनी बढ़ेगी और शायद वहां के छोटे देश खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए रशिया के साथ हाथ मिला लें, कुछ वैसे ही जैसे सोवियत के दौर में हुआ था। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को कुछ स्कॉलर्स अलग तरीके से देखते हैं। दोस्तों ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नेटो का डाउनफॉल नहीं हुआ तो ईस्टर्न यूरोप में अब हमें नेटो ट्रूप्स का इंक्रीज प्रेजेंस दिख सकता है और शायद ये प्रेजेंस परमानेंट शेप भी ले ले। कुछ स्कॉलर्स जो ईस्टर्न यूरोप में सोवियत एरा की तरह इंक्रीज रशियन हेजेमनी की पॉसिबिलिटी से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि एक रशियनाइज यूक्रेन ईस्ट यूरोप में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स और इनसिक्योरिटी को जन्म देगा और ये एस्टोनिया पोलैंड रोमानिया से लेकर टर्की तक फैलेगी, यानी कि ये देश रशिया के प्रति और ज्यादा स्केप्टिकल हो जाएंगे रादर देन बीइंग अडैप्टिव टू इट्स डोमिनेंस। इसके अलावा ये वॉर जिस तरह की लेजिटिमेसी क्राइसिस यूएस और नेटो के लिए क्रिएट करेगा उसके दो पॉसिबल रिएक्शंस होंगे, या तो यूएस और नेटो खुद को यूरोप में लिमिट कर लेंगे जिसकी बात हमने पहले की है, या फिर रिएक्शन के तौर पर वो खुद की प्रेजेंस को और स्ट्रांग बनाएंगे। यूरोप पर अपने फोकस को शिफ्ट करना यूएस के लिए डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि अभी तक वो चाइना को अपना सबसे बड़ा राइवल मान रहा था और उसकी पॉलिसीज चाइना सेंट्रिक होने लगी थी, लेकिन यूरोप भी यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में हो या फिर जियोपॉलिटिकल सेंस में। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे के लार्जेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हैं, विद ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टोटलिंग $1.1 trillion इन 2019। इसके अलावा एक वेल फंक्शनिंग पीसफुल यूरोप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज से लेकर चाइना और रशिया को काउंटर करने तक के लिए बेहद जरूरी है। अगर यूरोप डिस्टेबलाइज हो गया तो दशकों से बना यूएस अलायंस सिस्टम ब्रेक हो जाएगा और यूएस अकेला पड़ जाएगा, इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि यूएस खुद को यूरोप ओरिएंटेड बनाएगा और ऐसे में नेटो जो रशिया के सामने इकलौता चैलेंज है उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, इसीलिए यूक्रेन में रशियन विक्ट्री नेटो को रिवाइव करेगी। जी हाँ, और ये रिसर्जेंस एक डिफेंसिव मिलिट्री अलायंस जैसा होगा जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा नेटो में यूरोपियन देशों का इन्वॉल्वमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ में हर देश खुद की मिलिट्री स्पेंडिंग भी इंक्रीज करने लगेगा। टर्की का एंगल भी यहाँ इंपॉर्टेंट है जो नेटो मेंबर होने के बावजूद काफी समय से यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स दावा करते हैं कि यूक्रेन में रशियन प्रेजेंस को टर्की पॉजिटिवली नहीं लेगा क्योंकि यूक्रेन के साथ उसके संबंध काफी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में रशियन प्रेजेंस टर्की के इन्फ्लुएंस को भी चैलेंज करेगा, इसलिए वो एक बार फिर प्रो यूएस स्टैंड की तरफ बढ़ सकता है और नेटो को स्ट्रेंथन कर सकता है।
दोस्तों रशियन विक्ट्री का अगला मेजर इम्पैक्ट होगा यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के बीच एक परमानेंट इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसकी एक्चुअल शुरुआत 2014 में क्राइमियन एनेक्सेशन के बाद हुई थी। वेस्ट ये कोशिश करेगा कि रशिया पर मैसिव सैंक्शंस लगाए जाएं, वहीं रशिया इसे काउंटर करने के लिए अपनी साइबर आर्मी का बखूबी इस्तेमाल करेगा। साथ में वह यूरोप के रशिया पर एनर्जी डिपेंडेंस को एक बार्गेनिंग चिप या ब्लैकमेलिंग टूल की तरह भी यूज करेगा। स्कॉलर्स मानते हैं कि इस पूरी लड़ाई में चाइना रशिया के साथ खड़ा होगा और एक इकोनॉमिक टिट फॉर टैट सिचुएशन का जन्म होगा। यूएस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने को लेकर रशिया पर जिस तरह के आरोप लगे थे, वैसे आरोप आने वाले समय में वेस्टर्न यूरोप में भी बढ़ सकते हैं। रशिया हर कोशिश करेगा कि यूरोप में पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाए थ्रू टेक्नोलॉजी और थ्रू मनी। उसके अलावा करंट सैंक्शंस शायद 2014 के सैंक्शन से काफी अलग होंगे। क्राइमियन एनेक्सेशन के बाद रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस उतने रिजिड नहीं थे और वो कंडीशनल और रिवर्सिबल थे, लेकिन यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के बाद लगने वाले सैंक्शंस बैंकिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के फील्ड्स में होंगे, जो पहले से काफी ज्यादा रिजिड और परमानेंट हो सकते हैं, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ऐसे में मॉस्को का रिएक्शन भी वैसा ही हार्श होगा, जहां वो कई क्रिटिकल गुड्स जैसे टाइटेनियम को ब्लॉक कर सकता है, जिसका वो आज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एनर्जी ब्लैकमेलिंग से रशिया ये कोशिश भी करेगा कि वो यूरोप के देशों को डिवाइड करने के प्लान्स बनाए। ऐसा वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स पर अपने सैंक्शंस को ईज करके करेगा, जो नेटो और ईयू को ब्रेक या डिवाइड कर सकता है। रशियन सब कामों के लिए एलीट ट्रैप जैसे आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकता है, जिसमें चाइना की मास्टरी है। एलीट ट्रैप यानी किसी देश के प्रो रशियन नेताओं या इन्फ्लुएंशियल लोगों को रशिया का सपोर्ट थ्रू मनी और थ्रू सपोर्ट इन इलेक्शंस। इनमें से बहुत सी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन रशिया की विक्ट्री इन्हें और ज्यादा बूस्ट और इंटेंसिफाई करेंगी। इसके अलावा अपने खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए रशिया चाइना की तरफ और ज्यादा झुकेगा, और इस झुकाव को रशियन विक्ट्री से चाइना का मोराल भी बढ़ेगा, और शायद ताइवान को लेकर वो और ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं यूरोप में होने वाले बदलाव की। रशियन विक्ट्री की सिचुएशन में सबसे ज्यादा नुकसान शायद जर्मनी को होगा, जिसकी यूरोप में पोजीशन कमजोर पड़ेगी। जर्मनी आज एक मार्जिनल मिलिट्री पावर है, जिसने वर्ल्ड वॉर टू के बाद से वॉर एस पॉलिसी को रिजेक्ट किया है। ऐसे में जर्मनी ईस्टर्न यूरोप में अपने रिंग ऑफ फ्रेंड्स यानी पोलैंड और बाल्टिक देशों को लूज कर सकता है। इसलिए क्योंकि ईस्ट के ये देश यूक्रेन में रशियन प्रेजेंस से सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, पर जर्मनी के पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री पावर है ही नहीं। इस बात का फायदा यूरोप के बिगर मिलिट्री पावर्स जैसे फ्रांस और यूके उठाएंगे, और इन देशों में फ्रांस और यूके का दबदबा बढ़ेगा। एक थ्योरी ये भी है कि अगर ईस्ट के देश रशिया से थ्रेटेंड फील करेंगे, तो सिक्योरिटी को लेकर यूएस और नेटो पर उनकी डिपेंडेंस और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यूरोपियन यूनियन का खुद का मिलिट्री इंटरवेंशन का इतिहास कुछ खास है नहीं, और उसके पास मिलिट्रीज को मोबिलाइज करने की ताकत भी नहीं है। इसलिए एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में शायद नेटो के ट्रूप्स की संख्या आने वाले वक्त में तेजी से बढ़े। एक एंगल ये भी है कि इस क्राइसिस से यूरोप में चल रही माइग्रेंट क्राइसिस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। मिलियंस में रेफ्यूजीज यूक्रेन के चारों तरफ सर्वाइवल के लिए भागेंगे, जिसके चलते आसपास के देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बदलाव होगा और एंटी इमिग्रेंट रियोटिक और जिंगुइज्म और स्ट्रांग होगा। दोस्तों कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि यूक्रेन में रशियन विक्ट्री जियोपॉलिटिक्स को काफी ज्यादा बदलेगी, लेकिन ये बदलाव वर्ल्ड वॉर को जन्म देगा ये लेस लाइकली है। जी हाँ, रशिया का यूक्रेन इन्वेजन रशिया और वेस्ट में एनमिटी और पावर पॉलिटिक्स को लेकर खींचातानी को बढ़ाएगा, लेकिन ये खींचातानी वॉर की तरफ जाएगी ये मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर देश ये समझता है कि इस एज में एक फुल स्केल वॉर बिटवीन ग्रेट पावर्स किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। एट बेस्ट एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक साइबर वॉरफेयर से लेकर प्रॉक्सी वॉर्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने की बेवकूफी शायद ही कोई देश करेगा। दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। दरअसल की एक बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो यूक्रेन और रशिया की जो भी क्राइसिस चल रहे हैं वो एक फुल स्केल वॉर जैसे कि वर्ल्ड वॉर की एक बात की जा रही है उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो बहुत सारे कंट्रीज को ना चाहते हुए भी इसमें कूदना पड़ेगा। बट एक मुझे आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, उसकी रीजन ये कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोगों को इसमें नजर आए कि जहां से बात की और बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन थी, क्योंकि कल हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी इसी से रिलेटेड, मतलब जो इंडिया की इंटरवीन के बारे में मतलब बात की गई थी, की गई है, तो मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। नो डाउट हम लोगों को कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे आंसर उसके मिले, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से आदर्श सर ने एक्सप्लेन किया तो मैं कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ कि नहीं, लोग जो हैं वो काफी ज्यादा इसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। अब जो मतलब वर्ल्ड वॉर थ्री का स्पेशली जो एक एलिमेंट था वो हम लोगों को उसका रिस्क बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमारे सामने अजम्पशंस आती हैं, बहुत सारे मतलब डिफरेंट हम कहेंगे कि जो लोग होते हैं जो एनालाइज करते हैं चीजों को, अगर उनमें से किसी की सच हो जाती है किसी की सच नहीं होती, तो आई थिंक टाइम इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आपको नहीं पता होता कि इस चीज में क्या चल रहा है। बट जहां तक मुझे चीजें और सिनेरियो समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये वॉर इतनी ज्यादा देर नहीं चलेगी, चलनी भी नहीं चाहिए। हाँ। और इस वॉर की जो मैं कल, क्योंकि रात को मेरी जरा आदत है कि जो चल रहे हो ना करंट टॉपिक्स चल रहे हो तो मैं उन पे जरा वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसमें बेसिकली जो है दो रीजंस हैं इस वॉर की। एक तो ये है कि जो यूक्रेन नेटो का एक मेंबर बनने की कोशिश अभी नहीं बना, अच्छा, लेकिन हाँ बनने की भी वो यानी कि बनना था तो बन गया, नहीं नहीं प्रॉब्लम हुई है। अगर अगर बन गया था तो फिर मेरे ख्याल नेटो फोर्सेस वहां पर होती, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ना ये जो यूरोपियन यूनियन और जितने भी मतलब यूनाइटेड स्टेट के अलायंसेज हैं, मुझे लगता है ना मौसम के ना इन लोगों के, वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और आपको वो पहले पैम्पर कर देते हैं अच्छे से, और उसके बाद जब सिचुएशन आती है तो उसके बाद, अभी जैसे आदर्श सर ने भी बीच में बोला कि वाकई में सिर्फ अगर आप बातें कर रहे हैं और आप वैसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्ट नहीं कर रहे, जो कि कहीं ना कहीं मैं भी समझ आ रही हूँ उस टाइम को लेकर कि अगर वो कूद पड़ते हैं, मान लो एक हम अगर एक ऐसा सिनेरियो बनाते हैं तो हो सकता है कि इस चीज को बढ़ावा और ज्यादा बढ़े। यार देखे हर कंट्री को जो है ना अपनी एक सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा, खुद मुख्तारी बहुत ज्यादा जो है वो प्यारी होती है। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसकी खुद मुख्तारी पर जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो हमला किया जाए। अगर नेटो का हिस्सा बन जाता है यूक्रेन तो नो डाउट रशिया के बॉर्डर के बहुत पास आ जाता और काफी ज्यादा जो है रशिया को उससे खतरा रहता, तो वो उसने मेंबर बनने से पहले ही वहां पर कुछ इस तरह के सिनेरियो क्रिएट किए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी, मैंने जो पढ़ा, क्योंकि यूक्रेन में तकरीबन 70-80% लोग ऐसे हैं जो कि रशियन सपोर्टर्स हैं, रशिया की फेवर में है यूक्रेन में। मैंने तो इवन के कल एक ऐसा वीडियो भी देखा जहां पर रशियन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन के लोगों को और वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे भी हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड यूक्रेन में भी ऐसे लोग हैं, तो जहां तक मैंने देखा है सुना है वहां पर ये कि यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है उस साइड पर कुछ दो इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है मेजोरिटी में है ऐसे लोग जो कि रशियन फेवर में हैं, और जो है रशिया ने उन्हें एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम कर लिया हुआ है। और अब जैसे क्रीमिया पर हमला करके रशिया ने जो है वो उसे अपने अंदर मिला लिया, इसी तरह वो जो कुछ एरियाज है ना रशिया का, ये है कि वो उसको भी अपने अंदर शामिल कर ले। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो अगर एक लिहाज से देखें तो रशिया भी अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहा है आने वाले खतरे को लेकर, कि अगर जैसे यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता था मौसम जैसे बता रहा है, तो फिर वाकई में रशिया के लिए काफी ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका की और रशिया की प्रॉब्लम चल रही बिल्कुल। है। बट आई थिंक इस गेम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चाइना है वो उसका काफी ज्यादा हम लोग को झुकाव जो वो रशिया की तरफ देखने को मिला। अभी कल मैंने जो ये बात की थी अब तो मुझे काफी हद तक ये चीज लग रही है कि वो कन्फर्म्ड है कि काफी ज्यादा डिस्कशन जो रशिया और चाइना की ऑलरेडी इस पर हुई है, और चाइना के अपने उसके फायदे हैं
जिसको जहन में उसने रखा हुआ, जैसे कि बीच में उसने ताइवान का जिक्र किया गया, तो यानी कि अगर एक मरतबा इन्वेजन हो जाती है, और जैसे कि अदर सर बीच में बोल रहे हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे होता है, तो आई थिंक चाइना वो वाली गेम खेल रहा है कि ना जरा दाना डालकर देखते हैं कि होगा क्या, अगर उसका रिजल्ट क्या आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग भी कुछ इस तरह। यार असल में ना वो एक कहावत है बड़ी मशहूर है, जो आपने झुकने वाली बात की है, चाइना का झुकाव रशिया के, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही पॉलिसी आपको देखने को मिल रही है कि चाइना का आपको बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो देखने को मिल रहा है रशिया की तरफ, अमेरिका और अमेरिका और चाइना की लगती है, रशिया और चाइना की, सॉरी रशिया और अमेरिका की लगती है, तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट जो है वो ले रहा है। लेकिन जहां तक मैंने सुना है, मैंने जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, जो रशिया है उसका प्लान है कि जितना एरिया उसे चाहिए उतना वो कट कर लेगा, और बाकी फिर वो जो है डायलॉग्स पे बात होगी कि जो है वो खत्म कर दी जाए। और इवन के कल मैं पढ़ भी रहा था डिफरेंट आर्टिकल्स, उसमें ये लिखा हुआ था कि रशियन प्रेसिडेंट ने जो है वहां की फौज को कहा है कि वो तख्ता पलट कर दें, यूक्रेन का इक्तदार पर कब्जा कर लें। आई डोंट नो कि वैसे मतलब एक्चुअल में आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होने वाला, बट जो अभी देखा जा रहा है तो वॉर तो किसी भी कंट्री के जो लोकल्स हैं वो कोई भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, नो डाउट एलीट्स को इससे काफी ज्यादा वो लोग इम्पैक्ट होते हैं, इन्फ्लेशन तो बढ़ती ही बढ़ती है, उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपके बिजनेस में आना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं पर कुछ अगर आपको एज भी मिलता है कहीं किसी चीज को लेकर, तो लोगों की साइड से आपको थोड़े ड्रॉबैक्स भी देखने पड़ते हैं उस इसमें चीज़ के। इसमें कोई शक नहीं, देखें अगर यूक्रेन में जंग लगी है ना, तो उससे खाली आप ये नहीं कहेंगे यूरोप डिस्टर्ब हुआ है, उसे एशिया भी डिस्टर्ब हुआ है, उसे यूरोप भी डिस्टर्ब हुआ है, और नो डाउट अगर क्या नाम लेते हैं जैसे सिनेरियो, अब ये नहीं पता कि इसका बाद में जो एंड है वो क्या निकलेगा, दुआ यही है कि सब कुछ जो है वो खत्म हो जाए और सब कुछ लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे नो डाउट आपको लाइफ में, आपको जो पॉलिसीज में, और आपको जैसे फोर्स्ड इमिग्रेशन जो बात की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा आपको जो है वो चेंजिंग देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये चीज समझ रही हूँ कि अगर मतलब सब चीजें सेटल हो भी जाती है ना, अभी उसके बावजूद बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी पॉलिटिकल लेवल पर, सोचने में, चीजें प्लान करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें फिर नेटो, यूरोपियन यूनियन और जो यूएस है डेफिनेटली वो बहुत डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू कर देगा, और उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मुझे जो है एक तरह का जो है ना इसमें वो सिनेरियो जो जर्मनी के साथ हुआ था ना हिटलर के टाइम पे, जैसे आधा जर्मनी जो है वो सोवियत यूनियन ने और आधा जो है वो उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने संभाल लिया था, और एक साइड पर कैपिटलिस्ट था और दूसरी साइड कम्युनिस्ट था, तो यही वाला मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। जर्मनी के बारे में थोड़ा शॉक थी इस मतलब वीडियो में, जैसे जर्मनी की मिलिट्री नहीं है, कि मतलब आप उनकी मिलिट्री उस तरह से नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग फैक्टर था, क्योंकि जर्मनी ने बहुत सफर किया है जिस तरीके से, बेसिकली उन्होंने नो वॉर पॉलिसी अपना ली ना। पता है क्या, देखो नो वॉर पॉलिसी ठीक है, बट फिर यहाँ पर मैं अभी कल ही एक मैंने वीडियो देखा था, छोटा सा क्लिप था जिसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि देखो पावर आपके पास होनी चाहिए और आपको उसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए, मतलब अगर आप पावर रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखावे के लिए पावर कर रहे हैं, आपके पास पावर इसलिए भी होनी चाहिए कि अगले बंदे को पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको कुछ कहूंगा ना तो ये पलट के मुझे कुछ कर सकता है, बजाय उसके कि जब सारी चीजें हो जाए उस रूप में हड़बड़ी में आप सब कुछ करें। तो जो मतलब उस बात का क्रक्स था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज के टाइम में, पहले हालांकि मैं ये बात जरूर बोलती हूँ कि आपको मतलब इतना ज्यादा इस चीज में, ये जो डिफेंस सेक्टर में मतलब आप डिफरेंट वेपन्स खरीदते हैं, ये चीजें खरीदते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं दुनिया को करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सब लोग क्योंकि एक जैसे नहीं होते, उनकी सोच एक जैसी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ती है, चाहे आप उनका इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन अगर आप घर में पड़ी होंगी ना तो बाहर वाले को पता होगा कि हाँ भाई
कि इसके पास चीजें हैं। बिल्कुल, और मैं अगर बात करूं तो जब एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ जंग होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट एक यानी कि उस पे खाली उस दोनों मुल्कों पर नहीं हो रहा था, आसपास के मुल्कों को भी जो है बहुत ज्यादा टेंशन फेस करनी पड़ रही होती है, क्योंकि नहीं पता था कि जंग का स्केल जो है वो एंड पर क्या निकलेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और अभी जैसे बीच में बोला कि हम जो अब डेफिनेटली अमेरिका और सेंक्शन लगाएगा रशिया पर, तो वो चीजें भी लोगों को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कह कि रशिया क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो बहुत रिसोर्सफुल जो है एक इलाका है। तो नो डाउट अगर यूरोपियन यूनियन या अमेरिका जो है रशिया पर सैंक्शन लगाते हैं, तो रशिया का ऑन द अदर साइड उसके पास यानी कि वो चीजों को कहते हैं ना कि वो तोड़ मरोड़ के सही करना, उसके पास कोई ना कोई इस तरह का प्लान होगा कि जैसे अभी गैस रिसोर्सेज की बात करें तो यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए। तो ये चीज आपको देखेंगे वो कहीं ना कहीं से उसे ब्लैकमेल कर सकता है। वो बात ठीक है। अभी देखो इसी वजह से तो देखो कल हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी उसमें यूरोपियन यूनियन ने जो जितने भी अकाउंट है रशिया के लेकर उसको लेकर कोई भी बात नहीं की अभी तक। तो फायदा तो नो डाउट हर बंदा देखेगा। मैंने ये चीज देखी है, ये चाहे यूरोपियन यूनियन हो, ये मतलब अमेरिका, जितने भी अलायंसेज हैं और जितने भी कंट्रीज हैं, इनका एक चीज जो मतलब तरीका है उसमें ये कि ये डायरेक्ट नहीं कूदते मौजम, ये इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वार्स। हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि जो अगला बंदा ना वो हैंडल करना चीजों को दूसरे कंट्री के लिए नो डाउट टफ भी रहता है, और मुझे लगता है कि फिर भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है जब सैंक्शन लगती हैं। और पेनल्टी तो अब हमारी कंट्री को भी पड़ चुकी हुई है, वो भी आप सब लोग। लेकिन वो जो हमें पड़ी है वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है ना, क्योंकि वो बेसिकली वो भी मैं पढ़ रहा था, वो इस वजह से इनकी रशिया की तरफ जाने से नहीं पड़ी, वो इस वजह से पड़ी है क्योंकि एनबीबी की जो ब्रांच है वहां पर उसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो है वो मिली हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जाती हैं। तो उस वजह से जो है वो पेनल्टी डाली गई है। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि दिस वाज नॉट द राइट टाइम कि आप किसी कंट्री में मतलब ऐसे जंग की एक माहौल बना हुआ है और आप वहां पर विजिट करें। मैं रात को जो है टीवी पर देखा था, हमारे एक सियासी लीडर हैं वो भी ये कह रहे थे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ना जाते कह देते मुझे खांसी आ रही है, मुझे कोविड हो रहा है, मुझे चला नहीं जा रहा, लेकिन जाते ना वहां पर क्योंकि हालात कुछ इस तरह के थे। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का यही कहना है और लोग इसी बात पर मतलब जो एक बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस चीज को लेकर। बट खैर वो कहते हैं ना कि आपको एक अच्छा लीडर मिल जाए, समझदार लीडर मिल जाए तो आपकी जो किस्मत है वो बदल जाती है, नहीं तो फिर जिस तरह की किस्मत बदलती है ना वो हम लोग देख रहे हैं कि बाकी सब कुछ नया नया बन रहा है, और वो जो नया बन गया है ना वो अब सब लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक लीडर के लिए एक लीडर का जो उसके मुंह से निकले हुए वर्ड्स हैं या उसके जो एक्शन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कल वैसे मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े थे और उसमें बहुत सारे कमेंट्स जो थे उसमें मतलब प्रो रशिया थे कमेंट्स के, मतलब के इंडिया को रशिया का साथ देना चाहिए, इस तरह से कमेंट्स हम लोगों को पढ़ने को मिल रहे थे। और आपको यह कहना इसके बारे में जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें ज्यादा लाइक सब्सक्राइब। गुड बाय।